असलम कॉर्पोरेट पाकिस्तान मेरा नाम उबैद है एंड वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ विक्ट्री स्पेक्ट्रम उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे हमारी जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के गिरद फोकस्ड है और वो है पाकिस्तान हमारा मुल्क और उन बिजनेस लीडर्स और पर्सनालिटीज जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बड़े ही स्पेशल और डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी हैं Uh, he's one of the pioneers of bank assurance in pakistan and he has 27 plus years of diversified working expertise in regulatory tech insurance tech wealth tech health tech and fintech he has, as far as his qualification is concerned he has successfully qualified executive mba from karachi school of business and leadership Certified Director from Institute of Business Administration and General Development Program from Lahore University of Management Sciences. Uh, in his tenure, he has served in a senior capacities at TPL Life, Jubilee Life Insurance, Royal Bank of Scotland, AB and Ambro Bank, and Siddharth Heather. And currently, he is serving as the Chief Customer Officer at PingUp and the CEO of, of Idenfo Pakistan.

स्टेट uh, लाइफ का एक प्रोग्राम होता था uh, होता है अभी भी होता है जिसमें वो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लेकर करते हैं और फिर उनको ग्रूम करते हैं टू बिकम एन एक्चुअली एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट में एक सर्टिफिकेशन होती है बड़ी कोवेटेड सर्टिफिकेशन है फ्रॉम यू एस एंड यू के तो वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ था देन आई मूव ऑन टू तो सिद्धार्थ हैदर एजोर uh, एक्चुअल uh, और उसके बाद फिर मैं uh, टिपिकल लाइफ इंश्योरेंस और बैंकिंग की तरफ मूव uh, ऑन हो गया था बट जो एक बड़ा मेजर स्टेप मैंने लिया था इन uh, 2004 वो ये था कि मैंने जो मेरी कोर लाइन uh, थी विच वाज रिस्क मैनेजमेंट वहाँ से शिफ्ट करके मैं थोड़ा फ्रंट एंड बिजनेस साइड पर आ गया था एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट इन माई करियर क्योंकि वहाँ से फिर जो मुझे एक्सपोजर मिला था प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोडक्ट डिज़ाइन का फ्रंट एंड सेल्स का रिलेशनशिप मैनेजमेंट का वो वहाँ से मिला था और वो हुआ तब जब मैंने बैंकिंग ज्वाइन की ए बी एन एब्रो मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ से फिर जो मुझे एक्सपोजर मिला और सिंस बीइंग एन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बैंक वहाँ से जो वहाँ जो एक मल्टी कल्चरल मल्टी डायमेंशनल एक्सपर्टीज़ बाहर से भी हमें मिलती थी लोकल प्रोफेशनल uh, like, से भी मिलती थी उसने बड़ी वैल्यू एड की ओके okay. फिर वहाँ से सफर शुरू किया देन आई टू लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर वो सारा स्किल सेट जो बैंकिंग से डेवलप किया था उसको लेके लाइफ इंश्योरेंस में आया और फिर वहाँ से बैंक इंश्योरेंस का एक uh, समझ लें सेटअप uh, जो उस वक्त पाकिस्तान में बहुत मौजादा था उस वक्त फिर उसको बढ़ाया और आगे लेके चले uh, जुबली लाइफ के प्लेटफॉर्म से और फिर वहाँ से इवेंचुअली आई बिकेम सीईओ ऑफ़ टी लाइफ इंश्योरेंस ओके और तकरीबन वहाँ छः साल सर्व किया और उसके बाद नाउ अब फिर एक और डिफाइनिंग मोमेंट इन माय करियर जहाँ पर मैंने ये फैसला किया कि मुझे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ uh, मेरा रुझान ज़्यादा है तो किसी ऐसे एरिया को एक्सप्लोर किया जाए जहाँ पर टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन

दो पहलू हैं एक थोड़ा नेगेटिव एक थोड़ा पॉजिटिव बताइएगा नेगेटिव मैं पहले बता देता हूँ कि मुझे ये लग रहा था कि हमारा जो जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी पेस टू टैकल टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस थोड़ी सी मधम है उसको तेज होना चाहिए और भी तेज़ होना चाहिए बिकॉज कस्टमर एक्सपेक्टेशन जिस तरीके से डेवलप हो रही है और कस्टमर का जो एक्सपोजर बढ़ गया है अब उसको दुनिया के सारे सोलूशन आप अपने फ़ोनस पर दिख जाते हैं तो मेरे नज़दीक थोड़ी सी उसको मैं तेज़ी की ज़रूरत है तो मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर में ही रहूँगा तो मैं बहुत जल्दी वो सब नहीं सीख सकता जो कि मुझे एक्सपोजर रिक्वायर्ड है इस वक्त सीखने के लिए तो एक तो ये ये एक वजह है दूसरी वजह यह कि मुझे ये पोटेंशल नज़र आता है कि आप अगर एज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सौ लोगों से बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसको मल्टीप्लाई बाडेड कर दें ओके okay, बिल्कुल सही तो ये वो है जो आपको टेक्नोलॉजी देती है लेकिन उस सब के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी करती क्या है वैल्यू क्या ऐड करती है टेक्नोलॉजी एक ज़रिया है अपने कस्टमर से बात करने का अपने कस्टमर तक पहुंचने का उसको अपनी प्रोडक्ट दिखाने का और फिर उस प्रोडक्ट के प्रोसेस को आसान करने का टेक्नोलॉजी एक सोल रीज़न नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो प्रोडक्ट चल पड़ेगी आपका कॉन्सेप्ट चल पड़ेगा वो एक मीडियम होता है कस्टमर का और आपके दरमियाँ आसानियाँ पैदा करने का तो मुझे वहाँ पोटेंशियल नज़र आया तो मैंने कहा यह चीज़ का मतलब है टेक्नोलॉजी को पहले समझा जाए और फिर जब आप वहां बैठेंगे तो आपको वहाँ पे और सोल्यूशन भी दिखाई देंगे और सोल्यूशन समझ भी आएंगे तो आप इनोवेट भी कर सकते हैं है। आपको ग्राउंड मिलेगा एक डिफरेंट काम करने का तो ये मेजर वजह थी कि मैंने फिर थोड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज से ब्रेक लिया और फिर मैं टेक्नोलॉजी की तरफ आया ठीक है फैसल भाई अपने आप को अपस्किल कैसे किया आपने कहा ना कि सीखना चाहिए टेक्नोलॉजी को पहले समझना चाहिए तो फिर किस तरह अपस्किल स्किल किया अपने को वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है क्योंकि तो नहीं, नहीं मैंने मैंने तो okay. तो दो साल हुए टेक्स सेक्टर में एक्टिवली काम okay. तो जो मैंने पच्चीस साल सीखा था ना वो मैंने अपने आप पर झाड़ दिया पहले क्योंकि उसको लेके उस बैगेज को लेके मैं टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकता ओके okay. तो मैं बिल्कुल बच्चे की तरह मैंने बहुत सब लोगों के साथ बैठा हर लेवल पे और उनके साथ और अभी भी वो सफ़र चल रहा है सीखने का अभी भी मैं अपने जूनियर्स से और उन लोगों से जो मुझसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को समझते हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ काम किस तरह करती है।, सही है तो वो पहला स्टेप था अनलर्न करने का और दूसरा स्टेप था फिर वो जिस डोमेन में मैं आ गया हूँ उस डोमेन के बारे में सीखना तो वो फिर लोगों से मिल मिल के बैठ बैठ के उनके साथ टाइम

50 में से कह लें, 10 भी बहुत हाई होता है अगर आप okay. में से पांच को कन्वर्ट कर लें करता है के अच्छा, ये, मुझे छोड़े बहुत अरसा हो गया है, तो जिस टाइम हम थे कंपनी में उस वक्त कोई शायद पांच लोग थे अब लेकिन जो मुझे दोस्त अहबाब बताते तकरीबन पचास साठ हजार लोग तो Doing हो हैं। है। आ बेस सैलरी बेस मेरे ख्याल से अगर उसको थोड़ा सा और एनहैंस करें तो आगे शायद उन इदारा समझे कि तो ये भी देना चाहिए तो शायद कर सकते ठीक है कोविड के दिनों में कोविड इंश्योरेंस भी लॉन्च है क्वारंटाइन के लिए कोई और कंपनी का ऑफर कर रही थी पाकिस्तान में कोई और प्लेयर हमने जब लॉन्च की थी उस वक्त हम पहले नंबर पे थे मतलब हम पहले थे जिन्होंने भी लिया कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से काफी इंटरेस्ट इसमें दिखाया गया क्योंकि ऑफकोर्स इंप्लॉयीज जब चौदह दिन के लिए ऑफिस नहीं आते थे और एक तो इदारे को भी तकलीफ होती थी और को उस वक्त इम्प्लॉय को खुद भी तकलीफ होती थी तो ये प्रोडक्ट फिर क्वारंटाइन पीरियड में जो है सपोर्ट देती थी और अगर उस खुदा न खास्ता उस कोविड के नतीजे में डेथ हो जाए अनफॉर्चुनेट तो फिर उसके नतीजे में भी कॉम्पनसेट करती थी बिल्कुल ठीक है ए टी एम अमाउंट इंश्योरेंस भी आपने लॉन्च करी ये कॉन्सेप्ट क्या था फैसल भाई थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिएगा जी ए टी एम विद्रॉल इंश्योरेंस हमने लॉन्च की थी जब हम पी बी एन एमरो बैंक में थे और काफ़ी वहाँ पर हम इनकेज किया जाता था कि हम इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करें तो उस वक्त कि कराची में आज भी वो मसला है अमन अमान का उस वक्त भी था तो इंसडेंसिस रिपोर्ट होते थे जहाँ पे एटीएम के बाहर से चोरी हो जाती थी ए के अंदर से गन पॉइंट पर चोरी हो जाती थी रकम जो लोग निकालते थे तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने सोचा कि एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो लोग कराची में अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो जब पैसे लेके बाहर जाएं तो एक पर्टिकुलर टाइम तक उनका पैसा महफूज रहे फॉर तो नहीं आप उसको इंश्योरेंस दे सकते तो उसको एक घंटे तक हमने कहा कि एटीएम से निकल के बैंक के

बिल्कुल सही है इंश्योरेंस प्लान्स को आप स्क्रैच कार्ड्स में लिया है सर जी जी थोड़ा सा बताइएगा अपनी सक्सेस स्टोरी वो कोशिश आ, ये थी हमारी कि कहते हैं ना इंश्योरेंस नीचे जिस जिस सेगमेंट तक पहुंचनी चाहिए उस सेगमेंट तक सोसाइटी के पहुंच नहीं रही थी वो और कोई समझता है जी बहुत महंगा सोल्यूशन है और हमारी फेमिलियरिटी क्योंकि आपको तो भी याद होगा एक जमाने में हमारी फेमिलरिटी थी कि हम स्क्रैच कार्ड लेते थे और उससे फोर लोड करते थे और के, के, हाँ किसी भी टेलको के तो उसको उसको लेके हमने रेप्लिकेट किया इंश्योरेंस मॉडल में और हमने कहा कि अगर इंश्योरेंस का स्क्रैच कार्ड हो और लोगों को एक समझ लें दस तीन शोरूम्स मिल जाए दुकानों से या किसी भी आउटलेट से वजह इसके कि उनको एजेंट टीपीएल में लॉन्च किया था ये टीपीएल में लॉन्च किया ओके okay. और फिर हमारी कोशिश ये थी तो रिटेलर्स के पास मिल रहा था का? के पास ये कार्ड मिलता था और और बहुत, बहुत मतलब जिस सेगमेंट के लिए हमने बनाई थी तो हमने इसमें टेंगी की प्रोटेक्शन की एक का कार्ड बनाया था हमने इसमें जो बाइक बाइक चलाते हैं मोटरसाइकिलिस्ट उनकी इंश्योरेंस का कार्ड बनाया था ठीक है तो ये तो कंपनीज़ तो, को आपने ऑफर करी ये हमने कंपनीज़ को भी ऑफर की और हमने रिटेल आउटलेट्स पे भी रखे इस पे और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल थे आज भी अवेलेबल होंगे यानी द रिटेलर को आप प्रीमियम अमाउंट दें कार्ड परचेज कर लें एम आई राइट जी 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 आप वो प्ले स्क्रैच करें आप

हमें जो अपनी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है ना उसको बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड करना पड़ेगा इंश्योरेंस लेने का अमल इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाने का अमल जो उसका क्लेम का प्रोसेस है प्रोडक्ट डिज़ाइन वो अभी भी मुझे लगता है वहाँ पर काफ़ी रूम है ओके okay. उसको इम्प्रूव करने का क्योंकि वो बने हुए और जिस तरीके से डिज़ाइन हुए हुए हैं वो डिज़ाइन आज भी पुराने हैं ओके तो okay. आप अगर आप ऑटो के टर्म में बात करें तो शैसी वही है पुराना शैसी है उस पर आपने बॉडी बिठा रहे हैं बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो नए गाड़ियों का मुकाबला कर ले जबकि अब इतना कस्टमर भी अवेयर हो गया है और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है कि इंश्योरेंस को भी को भी एज अ प्रोडक्ट अपग्रेड होना पड़ेगा सही तो। है जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं हमारे मार्केट के अंदर जस्ट एलिमेन क्वेश्चन बैंकस के अंदर बाकायदा प्रोडक्ट डिवेलपमेंट मैनेजर्स होते हैं प्रोडक्ट डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट होता है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आए तो इंश्योरेंस में भी इस तरह का काम होता है जी जी बिल्कुल होता है हो भी रहा है मेरे नज़दीक वो नाकाफी है अच्छा नाकाफी काफी कुछ होने की जरूरत है ठीक है हम जो जो ग्राउंड कवर कर रहे हैं बहुत स्लोली कवर कर रहे हैं। सही है और जो हमारे कंज्यूमर है ना वो तेजी से स्मार्ट हो रहा है तो आपको पेसअप करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट इनोवेशन आर एंड डी उसको पेसअप करना पड़ेगा टू मीट कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है इस वक्त आपके ख्याल में कौन सा इंश्योरेंस का पाकिस्तान का प्लेयर जो सबसे ज्यादा कटिंग एज काम कर रहा है पाकिस्तान में काफी as as आपने पे मुझे ले आए आप आप या की दे दे। का नाम नहीं है। आ, अच्छा स्पीकिंग, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा okay. किसी ने अभी तक मुझे ऐसा इंप्रेस किया नहीं है okay. स्पीकिंग। हर एक को एक नारा मारता है और उसके बाद वो नारा फिजल आउट हो जाता है हैं जबकि इंश्योरेंस में क्लेम जल्दी दे देना सिर्फ प्रोडक्ट के मजबूत होने की गारंटी नहीं होता बिल्कुल ठीक है या कोई कहता है कि जी हमारा प्रोडक्ट चीप बहुत है बिल्कुल सही है बहुत सस्ते में अवेलेबल है तो प्रोडक्ट का सस्ता होना भी सिर्फ इस बात की गारंटी नहीं होता कि प्रोडक्ट में दम है तो अभी मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि काम काफी होना बाकी है है यानी लॉट ऑफ स्पेस या तो, या तो, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई बिल्कुल सही फिर वाकई मार्केट में अभी उस तरह का काम नहीं हुआ जिसको मैं कहूँ कि यार हमने इसी इंटरनेशनल क्वालिटी का बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस किया पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस टेक के हवाले से क्या क्या मिसकॉन्स है और उनको किस तरीके से जो है फिजल आउट किया जाए तो इंश्योर 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 टेक को लेके नहीं है इंश्योरेंस को लेके काफी है ओके okay. एक तो बहुत बड़ा मिसकॉन्न ये है कि खर्चा है जबकि इस खर्चा नहीं है ये आपकी रिस्क हेजिंग एक लफ्ज होता है आपको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा इसकी उर्दू थोड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे ले लिए बताना लेकिन आप जो अपनी रिस्क इसको इस रिस्क हेजिंग टूल यानी रिस्क को कैप करने के टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो लोग अभी तक इस चीज़ को समझे नहीं

सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि देखें इस वक्त आपके आपके पास किसी कि, any given point in time, आपके कम से कम 360 महीने सॉरी 120 महीना 10 साल 120 महीने की इनकम होनी चाहिए किसी भी गिवन पॉइंट इन टाइम जो कि काफी वसूक के साथ मैं कह सकता हूँ कि हर एक के पास नहीं होती बिल्कुल ठीक है ये समझ ले बैंक में पड़ी होनी चाहिए कैश की शक्ल में 120 महीने की मंथली कॉम्पनसेशन मंथली मौत तो बरक़ है और किसी भी टाइम आ सकती है बिल्कुल सही है इतने फंड्स होने चाहिए तो आपकी फैमिली के पास दस साल का खर्चा पानी तो हो ये खर्चे पानी की बात कर रहा हूँ मैं एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ घर अलग है गाड़ी अलग है ओके तो अगर आपके पास ये है तो आपको इंश्योरेंस की ऐसे जरूरत है नहीं और मुझे बेचनी भी नहीं चाहिए लेकिन अगर आपके पास दस महीने की तनख्वाह या दस महीने जिस पर आपकी फैमिली पल सके वो पैसे नहीं है कैश की शक्ल में हार्ड कैश की शक्ल में बैंक में जिस पर आपकी फैमिली नहीं रसाई पा सकती तो फिर आप उस गैप की इंश्योरेंस ले लें Okay. तो आपके पास शायद पाँच साल के पैसे होंगे पाँच साल के नहीं होंगे okay. तो वो गैप उठाइए वो कितने भी अमाउंट बनती है उसकी इंश्योरेंस ले लें ताकि आपकी फैमिली को अगले दस साल का आसरा हो जाए ओके एट एनी गिवन टाइम तो आपके सर से एक बोझ उतर जाता है कि अगर मैं नहीं हुआ तो दस साल मेरी फैमिली चलेगी कैसे सही है क्योंकि आप आप यंग आदमी हैं आपके ऑफ कोर्स बच्चे छोटे होंगे उनको दस साल की मिनिमम सपोर्ट तो चाहिए बिल्कुल ठीक है अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं कमा रहे हैं तो फिर आप इंश्योरेंस के बारे में किसी और तरीके से सोचेंगे कि मेरी वाइफ की सपोर्ट कैसे होगी और बहन भाइयों की सपोर्ट कैसे होगी लेकिन ये आपने एक समझ लिया नॉर्मल आदमी की पूछी कि उसको इंश्योरेंस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए और मैं सेल्समैन कैसे बेचूंगा तो मैं उसको सिंपल मैथ बोलूंगा भाई खबर का मुर्दा जानता है आपको पता है आपके पास कितने पैसे अगर आपके पास दस साल के पैसे हैं तो आपको इंश्योरस की जरूरत नहीं है अगर आपके पास दस साल के पैसे नहीं है तो जितने कम पड़ रहे हैं उतने की इंश्योरेंस ले हैं बिल्कुल ठीक है फिनटेक के अंदर जो है कोलेब्रेशन और पार्टनरशिप बड़ी काउंट करती हैं अपने करियर के अंदर आपने फिनटेक जो है

कोलेब्रेशन करनी पड़ती है मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनीज का हेल्थ टेक के साथ जो कलेब्रेशन था वो सबसे पहले हमने किया था बिल्कुल इसमें हमने कहा था कि हम ऐप में जो हेल्थ टेक की सर्विसेज हैं ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं डॉक्टर्स ऑन कॉल अवेलेबल होते हैं वो हम इंटीग्रेट कर दें अपनी ऐप में कस्टमर जब इंश्योरेंस सर्विसेज लेगा तो साथ साथ उसको हेल्थ की भी सर्विस मिलनी शुरू हो जाए कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ले लें या पेड पे भी ले लें लेकिन वो एक एक समझ लें

बिजनेस नीचे भी जाएगा बिजनेस ऊपर भी जाएगा आ, अगर आपको हालात जब खराब हों तब मैनेज करने नहीं आता तो फिर आप नहीं चला सकते स्टार्टअप बिल्कुल सही है आपको बुरे हालात में और ज्यादातर बुरे हालात में चलाना आना चाहिए अगर वो वो कैपेबिलिटी आपने डेवलप नहीं की और आप में वो पेशेंस नहीं है और आप में वो हिम्मत नहीं है क्योंकि तो आपको काफी फ्रंट्स पे लड़ना पड़ता है उसको बिल्कुल तो फिर आप नहीं बने इस काम के लिए बिल्कुल ठीक है तो ये मेरी सलाह है कि आप एक्सेल शीट से बाहर निकलें और थोड़ा उन लोगों से बात करें जिन्होंने ये चोट खाई है क्योंकि वो आपको वो चीज सिखाएंगे जो शायद आप तजुर्बा करके सीखेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी लेकिन उनके तजुर्बे से सीख लो तो बेहतर एक्सलेंट एक्सिलेंट थैंक यू सो मच फैजल भाई फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर एक्सलेंट ऑब्जर्वेशन व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपने इंजॉय किया होगा इस पॉडकास्ट को एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड थैंक यू अल्लाह हाफिज